उज्जैन में जहरीली शराब से हुई मौतों के बाद प्रशासन अलर्ट। शराब में इस्तेमाल की जाने वाली स्पिरिट को लेकर कई मेडिकल स्टोर जांच के दायरे में। एसडीएम और तहसीलदार ने की मेडिकल स्टोरों की जांच। जी हां, उज्जैन में जहरीली शराब से हुई मौतों के बाद प्रशासन ने कई मेडिकल स्टोर पर जांच कर रिकॉर्ड चेक किए, जिसमें जड़िया मेडिकल स्टोर, सिटी हॉस्पिटल मेडिकल स्टोर, गुरु नानक मेडिकल स्टोर सहित 5 लाइसेंसी मेडिकल स्टोर, एसडीएम अमृता गर्ग एवं तहसीलदार संजय जैन ने जांच की। दरअसल शराब बनाने में स्पिरिट का इस्तेमाल किया जाता है और स्पिरिट विक्रय करने के लिए बीना में 5 लाइसेंसी मेडिकल स्टोर को स्पिरिट विक्रय करने की परमिशन है। जांच के दौरान सभी के रिकॉर्ड दुरुस्त पाए गए। बीना से इंडिया खबर लाइव के लिए सचिन पवार की एक रिपोर्ट। कलेक्टर महोदय के आदेशानुसार अभी जो तत्काल में उज्जैन में घटना हुई है जहरीली शराब की से मृत्यु होने के संबंध में, तो उसमें उपयुक्त प्रयोग किए जाने वाली एक डेनेटल्ड स्प्रिट होती है जो कुछ लाइसेंसधारी मेडिकल स्टोर द्वारा ही इसका विक्रय किया जाता है। उस संबंध में चूँकि बीना में 5 लाइसेंस धारक हैं, उनकी जांच करने के संबंध में हम लोग को निर्देश प्राप्त हुए। इसमें एसडीएम मैडम और मेरे द्वारा पृथक जांच की गई मेडिकल स्टोर में जाके, और उनका ये स्प्रिट बेचने का उनके द्वारा कितने मात्रा में रखा है, रखी जाती है और कितना इनका विक्रय किया जाता है, तो मेरे द्वारा 3 मेडिकल स्टोर की जाँच की गई, जिसमें सिटी मेडिकल स्टोर में लगभग 0.5 लीटर ये स्प्रिट पाई गई जो कि सिटी हॉस्पिटल में यूज़ की जाती है। उनके द्वारा बताया गया इसका कोई भी व्यावसायिक उपयोग नहीं किया जाता है, और शेष 2 दुकान गुरु नानक ड्रग हाउस और गुरु नानक मेडिको में ये स्प्रिट होना नहीं पाई गई।